इस धरना प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हैं, जिनकी मौजूदगी में यहां पर जमकर नारेबाजी हो रही है। जब तक जेल में चना रहेगा तब तक आना जाना लगा रहेगा, जो अधिकारी गुंडा है उसके सर पर डंडा है, आदि नारों से इकोना ब्लॉक परिसर गूंज रहा है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है। जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है। जो अधिकारी गुंडा है उसके सर पर डंडा है। जो अधिकारी गुंडा है उसके सर पर डंडा है। जो ना माने बातों से जो ना माने बातों से जो ना माने झंडे को जो ना माने झंडे को उत्तर प्रदेश श्रावस्ती जनपद में भारतीय किसान यूनियन अपनी मांगों को लेकर परेशान हो चुके थे। लगातार इन्होंने कई ज्ञापन दिया था, उच्च अधिकारियों को भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में ये लोग बेबस होकर आज धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो ये कल से ही इकोना ब्लॉक परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। भारी बारिश व इस समय किसानी का मौसम चल रहा है, इनको खेतों में अपनी रोपाई करनी चाहिए, उस वक्त ये यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। अगर कुछ ऐसा कारण है तभी ये धरने पर बैठे हैं, नहीं तो किसानी का टाइम था, ये अपने खेतों में होते और काम कर रहे होते। आखिरकार क्या कारण है और किन मुद्दों को लेकर ये धरने पर बैठे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर ये धरने पर बैठे हैं और क्या मामला था। क्या नाम है आपका? मैं विनोद कुमार शुक्ल, महासचिव भारतीय किसान यूनियन। जनता और किसानों की समस्याओं को लेकर प्रतिमाह तहसील ब्लॉक एवं जिला मुख्यालयों पर बैठक करके समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जाता रहा है। पिछले कई महीनों से जो समस्याएं हमने तहसील प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन को दिया उसमें से किसी की सभी समस्या का कोई निस्तारण नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी योगी जी पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी ये पता भी लगा रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे हार गई। ये असंवेदनशील अधिकारी कर्मचारी जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हारी है और 2027 में भी हारेगी,
ये आप जान लीजिए। दूसरी चीज ये, यहाँ पे बिजली विभाग है, बिजली विभाग के द्वारा सौभाग्य योजना के अंदर मीटर लगा दिया गया, मीटर लगाने के बाद कनेक्शन नहीं दिया गया, उनका बिजली का बिल चल रहा है, जिसके लिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जब मीटर जब कनेक्शन जोड़ा जाए तो उनके बिजली के बिल जोड़े जाएं। ये मनोहरापुर के ग्राम पंचायत गहला का मामला है। तमाम सार्वजनिक भूमि जिसको हम लोगों ने तहसीलदार और SDM महोदय को अवगत कराया कि इस पे अवैध कब्जा है, इसको हटवाया जाए, नोटिस तो जारी हो गई लेकिन सब कागजी खाना पूरी करके काम चल रहा है, किसी भी समस्या का कोई निस्तारण नहीं होता है। आवास योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है, जो पात्र गरीब व्यक्ति है पैसा नहीं दे पाता है, उसे आवास योजना का लाभ नहीं मिलता, जो रिश्वतखोर देते हैं उन पर अपात्रों को उसका लाभ दिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर सरकारी नल रिबोर के लिए हम लोगों ने लिखा था, नल रिबोर के लिए जांच रिपोर्ट आई है कि इसको रिबोर करा दिया गया है, लेकिन मौके पे आज भी वो नल खराब पड़ा हुआ है। उसी पे अभी प्रशासन से वार्ता भी हुई है, प्रशासन ने हमसे बात किया कि ये ठीक हो गया, मैंने कहा ये नहीं ठीक हुआ है, जो सरकारी जमीन आप रिपोर्ट में कर रहे हो कि खाली हो गई है वो जमीन नहीं खाली है, चक्रोड नाली नहीं खाली है, उसी पे ये वार्ता हुई है। अभी SDM और BDO साहब से वार्ता हुई है, CO साहब थे, बड़ी सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है, उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करवाते हैं, जांच करवाने के बाद ये धरना समाप्त हो जाएगा, हमें उस पे कार्यवाही चाहिए। अच्छा, लगातार आप लोग कल से यहाँ पर बैठे हुए हैं, 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है, क्या इन मांगों को लेकर कोई आश्वासन आपको मिल गया है अभी तक? इसी पे बात हुई है, जो निस्तारण उन्होंने दिया है वो पूरी तरह से फर्जी है, कूट रचित है। जिस तरह से समन्वित शिकायत प्रणाली पर ये लोग कूट रचित निस्तारण देकर सरकार की छवि को खराब करने का काम करते हैं, इन्हीं की फर्जी रिपोर्टिंग से परेशान जनता ने सरकार बदलने का फैसला लिया, जिसका रिजल्ट आपके सामने है, आपने देख लिया। अशोक जी, आपके नेतृत्व में, आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आपके नेतृत्व में यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, कितने बिंदुओं का मांग पत्र है जिसकी समस्याओं का निस्तारण आप पिछले कई महीनों से नहीं कर पा रहे हैं, आखिरकार तंग आकर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? रात में हमने वीडियो भी देखा है, खबर भी देखी है कि यहाँ पर आप लोग खाना भी बना रहे थे, आखिर कितने बिंदुओं का? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी। कई बिंदुओं पर हम लोगों की जो है रास्ता खड़ंजा और बिजली विभाग की समस्याएं और तहसील की कुछ समस्याएं थी, उसको लेकर कल से ही चल रहा है। अभी कई दिन तक हम लोगों का प्लान है चलाने का, सब व्यवस्था है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। अभी BDO साहब और SDM और CO साहब से वार्ता हुई है, उन्होंने कहा है, जो BDO साहब ने हमको सूची दी है, हम लोगों ने ज्ञापन में तीन ज्ञापन में दिया था कि कई हैंडपम्प खराब है, रिपोर्ट कराने योग्य हैं, कुछ रास्ता थे, कहीं पुलिया डलवाना था, कहीं कुछ था, उसमें जो BDO साहब ने हमको सूची दी बनाकर कि कार्यवाही हो गई है, उसमें खड़ंजा और चक्रोड का था, उसको तो बताएं कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है, कर लिया जाएगा, और जो हैंडपम्प रिबोर थे वो रिबोर नहीं हुए, फिर भी रिबोर कराकर इसमें रिपोर्ट दी गई है, मतलब कागजी कार्रवाई की जा रही है जी, कि रिबोर हो गया है और धरातल पर कोई काम भी नहीं हुआ है। लगभग कितने बिंदुओं का आपका ज्ञापन है, जिन समस्याओं को लेकर आप धरने पर बैठे हैं? जी, 17 बिंदु का ज्ञापन है हमारा, हम लोग उसी पर कार्यवाही चाहते हैं। अगर आपको बैठक कितना घंटा हुआ? अब कल 9 बजे से हम लोग बैठे हैं, 1 जुलाई 2024 से। आज टाइम क्या है? आज 2:30 बज रहे हैं, मतलब दूसरे दिन 2:30 बज रहे हैं। सोम शर्मा जी, आप भी कल से यहाँ पर बैठे हैं, आपके साथ में भारी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं, आखिरकार ये कौन सी मजबूरी आ गई कि समय खेती किसानी के दौर में आपको यहाँ बैठना पड़ रहा है? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा परिचय है, छोटा सा परिचय है, मैं देवीपाटन का मंडल का सचिव हूँ, मेरा परिचय है सोम शर्मा, मेरा नाम है। ये लगभग 6 महीने से भारतीय किसान यूनियन टिकैत ब्लॉक इकाई और तहसील इकाई SDM इकोना और ब्लॉक BDO इकोना को ज्ञापन के माध्यम से जन समस्या का निस्तारण किया गया, इसके लिए देते रहे। प्रत्येक महीने में इन बिंदुओं पर हम लोगों ने मिलकर के बैठ करके चर्चा किया कि यह काम करवाए। मासिक पंचायत तो आपको जी, मासिक पंचायत के माध्यम से खंड विकास अधिकारी महोदय को आज के 4 महीना पहले, जो 5 महीना पहले हम लोगों ने जल निगम नल सही कराने के लिए या रिबोर कराने के लिए जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अवगत कराए थे कई गांव को, 5 महीना बीत जाने के बाद खंड विकास अधिकारी के द्वारा उस जो है जल निगम नल का न रिपेयर करवाया गया है और न उसका रिबोर करवाया गया है, और 27 जून को जब हम लोग अल्टीमेटम दिए कि अनिश्चितकालीन धरना रखेंगे, 27 जून का रिपोर्ट बना करके 29 जून को खंड विकास अधिकारी के द्वारा दिया जाता है कि फला फला जगह नल जो है
रिबोर करा दिया गया, आपका काम हो गया है। लेकिन जब हम लोगों ने जमीनी स्तर की जानकारी ली, प्रत्येक गांव में जा करके हमारे कार्यकर्ता और हम लोग जब देखा तो वहां कोई भी किसी बिंद पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, केवल कागजी खाना पूर्ति है। इसीलिए हम लोग बैठे हैं, जो कब तक बैठे हैं अनिश्चितकालीन के लिए, जब तक जो दोषी कर्मचारी है सक्षम अधिकारी कोई आ करके, जब तक दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाता है और हमारे किसानों का काम नहीं हो जाता है, तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। जैसा कि इन लोगों का बताना है, पदाधिकारी जब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हमारी जो मांगे थी उनको स्थलीय जब देखा गया तो वहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन कागजी तौर पर कार्यवाही कराने की बात कही जा रही है। आखिरकार ये कारण क्या है? क्या प्रशासन ऐसे ही गलत रिपोर्ट शासन प्रशासन को भेजता है या नहीं? ये लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे। मिथिलेश पाठक, इंडिया न्यूज़, साउथ।